हाय दोस्तों, क्रिएटिव एक्शन की और एक नए वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में आपको दिखाने जा रहा हूँ आप घर पर कैसे एक हेलीकॉप्टर को बना सकते हो। तो दोस्तों, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ऐसे ही इलेक्ट्रॉनिक्स और लाइफ से जुड़ी हर वीडियो पाने के लिए। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों, हमें चाहिए दो मैच बॉक्स, तो चलिए दोस्तों इसको साइड में रख देते हैं। उसके बाद दोस्तों, हमें चाहिए 4 वोल्ट का डीसी मोटर। दोस्तों ये आपको मार्केट में 10 रुपए में मिल जाएंगे, तो चलिए इसको भी साइड में रख देते हैं। उसके बाद दोस्तों, हमारा जो डीसी मोटर है सिंपली हम इस मैच बॉक्स के अंदर चिपका देंगे। तो देख सकते हो दोस्तों, कुछ इस तरीके से हम चिपका देंगे। दोस्तों चिपका देने से पहले हमें इसमें होल करना होगा, तो हम इसमें कांच की मदद से होल करेंगे कुछ इस तरीके से। दोस्तों इसकी दोनों साइड में होल करना है, ठीक है। आप देख सकते हो दोस्तों, हमने कुछ इस तरीके से होल कर दिया है। उसके बाद दोस्तों हम इसमें मोटर को चिपका देंगे। तो चलिए पहले इसमें ग्लू दे देते हैं। आप देख सकते हो दोस्तों, हमने कुछ इस तरीके से मोटर को मैच बॉक्स के अंदर चिपक दिए। तो चलिए इसे साइड में रख देते हैं। उसके बाद दोस्तों, हम इस बॉक्स के अंदर ये जो खाब होता है इसमें भी हम एक होल करेंगे। तो चलिए होल कर लेते हैं। तो देख सकते हो दोस्तों, हमने कुछ इस तरीके से होल किया। उसके बाद दोस्तों, हमारा जो वायर है इसको हम पहले जो होल किया था उसके अंदर ले जाएंगे और उसके बाद इस बॉक्स के अंदर से ले जाएंगे। अब दोस्तों हम दूसरे मैच बॉक्स में भी होल करेंगे, तो चलिए इसमें भी होल कर लेते हैं। उसके बाद दोस्तों, हमारे जो मोटर की वायर है हम कुछ इस तरीके से इसके अंदर से ले जाएंगे। तो देख सकते हो दोस्तों, मैंने किस तरीके से इस वायर को ले जा रहा हूँ। उसके बाद दोस्तों, हम इस दोनों मैच बॉक्स को ग्लू गन की मदद से चिपक देंगे। उसके बाद दोस्तों, हमें चाहिए एक मोबाइल का बैटरी। अब दोस्तों इसकी वायरिंग करेंगे हम। दोस्तों वायरिंग करने से पहले हम इस बैटरी को मैच बॉक्स के साथ चिपक देंगे कुछ इस तरीके से। तो चलिए ग्लू गन की मदद से चिपक देते हैं। अब दोस्तों हम इसकी वायरिंग करेंगे। दोस्तों मोटर का जो रेड वायर है वो हम बैटरी की पॉजिटिव पिन में सोल्डर करेंगे और येलो वायर को हम एक स्विच के साथ सोल्डर कर लेंगे। तो चलिए पहले रेड वायर को सोल्डर कर लेते हैं। उसके बाद दोस्तों, हमें चाहिए एक ऑन ऑफ का स्विच। दोस्तों ये स्विच आपको मार्केट में बड़ी आसानी से मिल जाएंगे। दोस्तों ये स्विच को हम मैच बॉक्स के साथ चिपक देंगे। तो चलिए ग्लू गन की मदद से चिपक देते हैं। उसके बाद दोस्तों, हमारे जो मोटर का येलो वायर है इसको हम स्विच की एक पिन में सोल्डर करेंगे और बीच में जो स्विच का दूसरा पिन और
बैटरी का दूसरा पिन खाली रह गया, उसमें एक वायर देकर सोल्डर कर लेंगे। तो चलिए दोस्तों सोल्डर कर लेते हैं। आप देख सकते हो दोस्तों हमने सारे कनेक्शन कर लिया है। तो चलिए दोस्तों इसको साइड में रख देते हैं। उसके बाद दोस्तों हमें चाहिए कुछ इस प्रकार का कार्डबोर्ड। दोस्तों इसको मैंने पहले से काट करके रखा था। दोस्तों इस कार्डबोर्ड को हम मैच बॉक्स के पीछे में इस तरीके से चिपक देंगे। तो चलिए इसको ग्लू गन की मदद से चिपक देते हैं। उसके बाद दोस्तों हमें चाहिए कुछ इस प्रकार का एक छोटा सा प्रोपेलर। दोस्तों इस प्रोपेलर को हम मोटर की शाफ्ट में लगा लेंगे। तो चलिए दोस्तों ये जो मोटर का शाफ्ट है इसमें कुछ इस तरह से लगा लेंगे। तो देख सकते हो दोस्तों मैंने इसको लगा लिया। तो चलिए इसको साइड में रख देते हैं। उसके बाद दोस्तों हमें चाहिए मैच बॉक्स का स्टिक जो दोस्तों इस हेलीकॉप्टर का पाया होगा। तो चलिए इसको ग्लू गन की मदद से चिपक देते हैं। फाइनली दोस्तों हमारा जो हेलीकॉप्टर है वो बन गया है। तो देख सकते हो दोस्तों बहुत ही अच्छे से चल रहा है। उम्मीद करूंगा दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो लाइक कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना क्योंकि इसी तरह का वीडियो मैं अपने चैनल पर ला करता हूँ। तो चलिए दोस्तों फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।